Hello everyone, I'm Dr. Neelu Prasad, Director, Astralok Hospital in Asta IVF. मैं इस कंकड़बाग में 24 साल से प्रैक्टिस कर रही हूँ और हाल के 4 साल से मैंने अपने यहाँ IVF की प्रैक्टिस स्टार्ट की है, जो काफी डेडिकेटेड प्रैक्टिस है हमारे सेंटर के लिए। तो आज हम बात करेंगे कि अगर प्रेगनेंसी पॉजिटिव आती है तो इसके लिए लोग जो उसके जो कपल हैं, जो बच्चे के जो माँ बाप हैं, वो काफी चिंतित रहते हैं कि जो बच्चे पेट में बढ़ रहे हैं तो उसमें कोई तरह का कॉन्जेनिटल एनोमली तो नहीं है, क्योंकि आज के दिन में जो हमारा लाइफस्टाइल है वो काफी चेंज कर गया है और काफी एज में भी लोग शादी के बाद प्रेगनेंसी प्लान करते हैं। नॉर्मली हम सोनोग्राफी करते हैं और देखते हैं कि पोजिशन और बच्चे की जो सारी जो स्कैनिंग होती है वो नॉर्मल है या नहीं, लेकिन हम बात करते हैं कि अगर हम बच्चे के बारे में डिटेल जानेंगे कि कॉन्जेनिटल कोई खतरे तो नहीं है, तो उसके लिए हम एंटी स्कैन कराते हैं जिसका टाइमिंग वो फर्स्ट तिमाही के जस्ट पहले आता है, यानी कि 11 सप्ते से 13 सप्ते के बीच में आता है। अब इस एंटी स्कैन में हम करते क्या हैं और इसका क्या महत्व है? तो एंटी स्कैन करने का सबसे इम्पोर्टेंट रीजन होता है कि हम कॉन्जेनिटल एनोमली को डिटेक्ट कर सके, और इसमें हम अल्ट्रासोनोग्राफी के द्वारा हम नेक के पीछे पार्ट में, यानी कि हमारे गले के पीछे पार्ट में इसका जो एक फ्लूइड होता है उसका मेजरमेंट करते हैं, और ये फ्लूइड हमारे स्किन और नेक के बीच में होता है, और ये फ्लूइड की कितनी मोटाई है या कितनी इसकी जो मेजरमेंट है उस हिसाब से हम डायग्नोसिस करते हैं कि जो बच्चे हैं उसमें कॉन्जेनिटल एनोमली है या नहीं। तो नॉर्मली देखा जाए तो ये हमारा जो फ्लूइड का कलेक्शन नेक रीजन में होता है वो डिफरेंट वीक्स में उसकी वैल्यू डिफरेंट होती है। अगर वैल्यू उसे कम आती है तो कोई चिंता की बात नहीं होती है, लेकिन एंटी स्कैन में इसका मेजरमेंट अगर एक रेंज से ज्यादा आता है तो वो चिंताजनक बात है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर 11 सप्ते पर हम एंटी स्कैन करते हैं तो उसका जो वैल्यू है वो 2 मिलीमीटर होनी चाहिए, 12 वीक का अगर प्रेगनेंसी है तो उसमें 2.5 होनी चाहिए, और 13 वीक का है तो उसमें 2.8 मिलीमीटर का उसका मेजरमेंट होना चाहिए। लेकिन अब चिंता की बात तब होती है जब एंटी स्कैन में इसकी वैल्यू हमारे रेंज से ज्यादा हो जाता है, और तब हमें इस बात की चिंता होती है कि वो कौन सी कॉन्जेनिटल एनोमली होने की संभावना है। नॉर्मली एंटी स्कैन जब हम करते हैं तो बच्चे में जो कॉन्जेनिटल एनोमली होती है वो डाउन सिंड्रोम हो सकता है, पटाउ सिंड्रोम हो सकता है, और एडवर्ड सिंड्रोम हो सकता है। बात करें डाउन सिंड्रोम, जो बहुत ही इंसिडेंस उसका देखा जाता है, अगर जो पहली बार प्रेगनेंसी पॉजिटिव अगर एल्डरली एज में होता है, यानी 30-35 वीक्स में होता है, तो इसमें जो क्रोमोसोमल डिफेक्ट होते हैं वो 21 जो डीएनए होता है उसमें चेंजेस आ जाता है। उसके अलावा एडवर्ड सिंड्रोम होता है जिसमें 18 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स पर उसमें चेंजेस आते हैं, और जो एडवर्ड आता है उसमें 21 जो होता है क्रोमोसोम्स उसमें चेंजेस आता है। तो नॉर्मली हम इस 3 जो कॉन्जेनिटल एनोमली है उसे हम एंटी स्कैन के द्वारा हम जान पाते हैं, और उसके अकॉर्डिंगली हम डिसाइड करते हैं कि हमें प्रेगनेंसी को डिलीवरी देकर तक कंटिन्यू करना है या कुछ और डिसीजन लेना है। अब हम बात करेंगे कि कभी कभी ऐसा होता है कि डॉक्टर एडवाइस तो कर देते हैं कि आपको इस वीक में 11 सप्ताह से 13 सप्ते के बीच में एंटी स्कैन जो है करानी चाहिए, लेकिन किसी कारण से अगर मिस हो जाता है तो घबरा जाते हैं कि वो समय तो पार कर लिया, अब हम क्या करें। तो हमारे पास और भी टेस्ट है जो ब्लड के सहारे किए जाते हैं, और इस टेस्ट का नाम होता है NIPT टेस्ट, और दूसरा होता है ये हमारा क्वाड्रपल टेस्ट। ये दोनों जो टेस्ट होते हैं ये टेस्ट ब्लड के सहारे किए जाते हैं, और ब्लड से हम उसको लेबोरेटरी में भेजते हैं, और इस एंटी स्कैन और जो हमारा जो टेस्ट है इसमें जो रिपोर्ट आती है उसके हिसाब से हम डायग्नोसिस करते हैं कि जो हमारे बच्चे हैं उसमें कॉन्जेनिटल एनोमली है या नहीं। हालांकि ये टेस्ट NIPT जो हमारा टेस्ट है वो एंटी स्कैन के जितना जो है वो सक्सेसफुल नहीं है, लेकिन समय पार होने के बाद हम इस टेस्ट से भी हम पता कर सकते हैं कि जो बच्चे हैं
वो बिल्कुल सही है या नहीं। तो इन तीन टेस्ट के सहारे हम ये पता कर पाते हैं कि जो बच्चे पेट में पढ़ रहे हैं वो सही हैं, और इसमें हमें कोई भी खतरा जो है वो नजर नहीं आएगा। अब हम बात करेंगे कि कोई भी टेस्ट हमारा वो 100% वो सक्सेसफुल रिजल्ट नहीं दे पाता है, और रीडिंग हो सकता है गलत भी हो, लेकिन इसके लिए हमारे पास आज के दिन में ये एक एडवांस टेस्ट है, और जिसके सहारे हम मैक्सिमम लोगों के जो प्रेगनेंसी है उसके जो बच्चे हैं पेट में उसकी जानकारी के लिए हमारे पास यही एक सटीक जांच है, जिसके द्वारा हम बच्चों के बारे में पता कर पाते हैं कि बच्चा जेनेटिकली हमारा वो बिल्कुल ही साउंड है या नहीं। तो हम मानते हैं कि आपको इस वीडियो के द्वारा एक अच्छी जानकारी मिली होगी कि एंटी स्कैन क्या है और उसके क्या फायदे हैं, हमें मिस नहीं करनी चाहिए, और अगर मिस कर जाता है तो हमें NIPT और क्वाड्रपल टेस्ट के सहारे भी जांच कर लेनी चाहिए, ताकि हम बच्चों के बारे में डिटेल पता कर सके। धन्यवाद।